खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। सीधी तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जहां इस वक्त वो बैठक ले रहे हैं। हर बार टीम 11 के साथ वो बैठक लेते हैं और एक बार फिर यहां पर इसी टीम के साथ ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि अहम चीज़ों को लेकर बातचीत की जाएगी, कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, लगातार कोरोना वायरस को लेकर मामले बढ़ रहे हैं, कई ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इन सब के मद्देनज़र ये बैठक खास होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ की बैठक कुछ ही देर में अब यहाँ पर चर्चा शुरू हो जाएगी। इस बैठक में टीम 11 के साथ ये बैठक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी कई बार देश के हालात को लेकर, उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर वो चर्चा कर चुके हैं इस बैठक में, और एक बार फिर यहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी जो भी आदेश हैं वो दिया जाएगा यहाँ पर। तो वहीं गृह विभाग के भी कुछ सदस्य यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, उसको लेकर ये बैठक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कई मायनों में। टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस वक्त टीम 11 के साथ ये बैठक की तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किन किन चीज़ों को लेकर बातचीत की जाएगी? देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में 11 ऐसे उद्योग हैं जिनको सरकार छूट देने का निर्णय लिया है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस होंगी, प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस होंगी, उसके मुताबिक काम करना होगा। उसको देखते हुए इस बैठक में चर्चा हो रही है। जिन उद्योगों को छूट दी जाएगी, उसमें स्टील रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, फाउंड्री, पेपर, टायर, कामन, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट व चीनी मिले शामिल है। इसमें इसके साथ साथ, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना वायरस की स्थिति है, लखनऊ, आगरा, नोएडा, उसके संबंध में चर्चा हो रही है। तबलीगी जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तत्काल 2 दिन के अंदर ऑपरेशन कर चला के उनको ढूंढा जाए, एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए जो जहाँ छिपे हों, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रदेश सरकार चिंतित है। और खबर एक ये भी आ रही सूत्रों के अनुसार कि जो कोटा में छात्र फंसे हुए हैं, राजस्थान में जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के सरकार कोई कई कदम उठा सकती है उनको राहत देने के लिए। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसको लेकर के प्रदेश सरकार गंभीर है कि उनको कैसे राहत उन छात्रों को पहुंचाई जाए, क्योंकि वहां भी लगातार वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पास बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, घर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके जरिए जो वहां के नोडल अधिकारी हैं उनसे भी इस संबंध में बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे कि उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बैठक कर रहे हैं, और इन खास करके जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं या जो भी 20 तारीख के जो सोमवार को फिर से कुछ चीजें जो खोली जाएंगी जिनको लॉकडाउन में छूट दिया जाएगा, कौन से ऐसे जिले हैं जो छूट में होंगे, तो कई ऐसे जिले हैं जो अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में नहीं थे, अब उनका नाम आ गया। जैसे आज पहली बार गोंडा में एक पॉजिटिव केस आया है, हालांकि महाराजगंज में पीलीभीत जरूर फ्री हो गया है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी स्थिति सामने आ रही। तो इन सबको देखते हुए इस बैठक में कई सारे निर्णय पर चर्चा होगी। बिल्कुल, कई अहम बिंदु होंगे जिस पर बातचीत की जाएगी। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं इस वक्त, और कई ऐसे अहम चीजें हैं जिनको लेकर वो चर्चा करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।